ने अपना स्केटबोर्ड यहीं कहीं छोड़ा था। तुम दोनों ना अपनी चीजों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। याद रखो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। लेकिन मॉम, शायद आप भूल गई कि हमें वो स्केटबोर्ड कॉम्प्लेक्स के मेगा पैक के साथ फ्री मिला था। तुम टॉपिक मत बदलो। एक तो स्केटबोर्ड घुमा दिया, ऊपर से बहस कर रहे हो। स्केटबोर्ड नहीं घुमाया, शायद एक मिनट, पहले मैं वहां से अंदर आया, फिर मैं अपने स्केटबोर्ड पे स्केट करके मानसिंह जी के पैर के ऊपर चढ़ गया। क्या? और फिर उनसे माफी भी मांगी। वो चिल्लाने लगे और मैं डर के बिनी के काउंटर के नीचे छुप गया। एक्सक्यूज मी, वो ये क्या कर रहे हो? हम करण के स्केटबोर्ड को ढूंढ रहे हैं। पापा बच के। स्केटबोर्ड मिल गया। बाप रे बाप। पापा आप ठीक तो हो ना? ओहो, आपकी कहीं हड्डी तो नहीं टूटी? बेटा हड्डी तो जुड़ जाएगी बेटा, लेकिन ये अच्छा हुआ, ये इनका अच्छा ये महंगा लैम्प शेड नहीं टूटा, वरना मुझे मेरे एफडीस तोड़ने पड़ते। लेकिन मुझे पक्का याद है कि मैंने अपना स्केटबोर्ड बिनी के काउंटर के आसपास छोड़ा था। ये जरूर उसी बदमाश लफंगे चूहे का काम होगा जिसने मेरी टोपी में मिल्क शेक गिरा दिया था। वही जिसने मेरा जूनियर माइक्रोस्कोप सेट तोड़ दिया था। हाँ वही जिसने मेरे सारे पजामास को बांधकर एक झूला बनाया था। हाँ हाँ वही चूहा जो हमेशा मेरे रिपोर्ट कार्ड्स खा लेता है। आप ठीक तो है ना? I'm fine, I'm fine. अब क्या हुआ? आप हमेशा मेरी तरफ क्यों देखते हैं? आदत से मजबूर हूँ। वैसे इस बार इस लफंगे चूहे ने क्या किया? सर अगर आप कहें तो मैं आपके लिए डॉक्टर बुलवा दूं। नहीं नहीं नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, बस अपने कमरे में जाके आराम कर लूं। आउच, बस आप इसके आगे सब जाम। तो फिर कितनी अच्छी बात है कि हमारे कारपेट का डिजाइन इतना सुंदर है। बिल्कुल, और आपके जूते भी कितने प्यारे हैं। सर आप हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब आप इतना जिद कर ही रहे हो तो एक अच्छा सा कमरा कर दो भाई। समझिए हो गया, तो चलूं। आउच, कमरे तक जाना मुश्किल है। सर कमरा कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं। मानसिंह जी, मुझे पक्का याद है कि मैंने अपना स्केटबोर्ड बिनी के काउंटर के आसपास छोड़ा था। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी चीजें यहाँ वहां रख के उसे भूल जाता हूँ? आउच। हाय करण। हाय करण के छोटे भाई। सिर्फ 10 मिनट छोटा, वैसे मेरा नाम कबीर है। वाओ, ये गेम तो बहुत मजा लगता है। इसे खेलते कैसे हैं? शायद इन मॉन्स्टर्स को मारना है। हाँ, और साथ साथ शैतानी स्पेस मंकी से भी बचना होता है। काश मैं भी खेल पाती, पर मैं बस पैसे ही नहीं है खेलने के लिए। ओ स्वीटी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा और तुम्हें खेलना भी सिखा दूंगा, ठीक है? ओए, तुझे खेलना कौन सिखाएगा? करण, इसे चैंपियन से सीखने दे। करण, मॉम ने कहा था तेरे लिए नो वीडियो गेम्स। कबीर, मैं ये मस्ती के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस एक छोटी सी बच्ची को कुछ नया सिखा रहा हूँ, जैसे कि ट्यूशन क्लासेस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम दोनों अपने पैसे मेरे ऊपर वेस्ट कर रहे हो। ओहो, पैसे की चिंता मत करो, कभी 10 रुपए देना। एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक शर्त वाली गेम खेलें? अगर तुम जीत गए तो मेरे पापा तुम्हें डबल पैसे देंगे, अगर मैं जीत गई तो हम तुम्हें डबल पैसे देंगे। हाँ? तुझे पता है तू जीतने वाला है, तो एक छोटी सी बच्ची के पैसे ऐसे धोखे से कैसे ले सकता है? उसके नहीं, उसके पप्पा के। मैं ये अन्याय नहीं देख सकता। ठीक है, सोच ले, मैं जीते हुए पैसे तेरे साथ शेयर नहीं करूंगा। नहीं चाहिए। वाओ स्वीटी, तूने तो गेम बहुत जल्दी सीख ली। ये ले स्पेस मंकी। मैं गेम जीत गई, यस। करण, तू बहुत अच्छे टीचर हो। मुझे भी नहीं पता था।
थैंक्स करण, तुम कितने स्वीट हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और याद रखना तुम्हें मुझे 400 रुपए देने हैं। प्रीति जी, ये गुलाब जामुन तो लाजवाब है। उसकी रेसिपी तो आपको मुझे देनी ही पड़ेगी। इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकती। वो क्या है ना, मुझे ये गुलाब जामुन आटे के साथ फ्री मिले थे। प्रीति जी, अब मैं वो हॉट वाटर बॉटल लगाऊंगा। कहते हैं गरम ठंडा रखने से ना जल्दी ठीक हो जाते। अच्छा। प्लीज जी, प्लीज प्लीज धीरे से। मैं दरवाजा खोलती हूँ। गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। राजमहल की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। फ्रेश फ्रूट्स, लव देम। इतने भारी फ्रूट्स देने जरूरी थे क्या? थोड़े से किशमिश काजू देके मामला निपटा देते। बंद करो, टेबल पर रखो, जाओ। टेबल पर उठा, बाप चल बाप। अरे फ्रूट्स। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल फिट हूँ। आउच। आपके लिए राजमहल के स्पा में फ्री मसाज, जहां आप चंगे भले होकर राजमहल का गुणगान गाते हुए यहां से चेकआउट करेंगे। वो तो है, तभी मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस? मानसिंह जी, पुलिस वालों को तो आप जानते ही हो, कहीं कुछ छोटी सी भी बात नहीं हुई आ जाते इंक्वायरी करने। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, खुशखबरी है, अब से जंग बहादुर आपकी खिदमत में होगा 24/7। इस बार कुछ ज्यादा ही छोटी ड्यूटी नहीं देती। ओह हेलो, हाय, तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगी? काश मैं खेल पाती, लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम है। कोई बात नहीं, मुझे अकेले ही खेलने की आदत है। एक मिनट, हम जल्दी से एक गेम खेल लें। ओके, अब ध्यान से सुनो। ये तीन कार्ड्स हैं, इसमें से दो ब्लैक है और एक रेड है, तुम्हें सिर्फ रेड के ऊपर ध्यान रखना है। ओके। अब बताओ रेड कौन सा है? ये वाला। ओह, ये तो रेड ही है। आप कितने स्मार्ट हो, मुझे भी आपकी तरह बड़े होकर स्मार्ट बनना है। थैंक्स। गेम को और मजेदार बनाने के लिए मेरे पास कुछ है। अगर मैं जीती तो आपको मुझे एक चॉकलेट देनी पड़ेगी। ओके। अब बोलो कौन सा डैड है? ये वाला। ओ, ये तो ब्लैक है, वन चॉकलेट प्लीज। लेकिन वो रेड वाला ही था। एक बार ट्राई करते हैं, शायद अब तुम जीत जाओ। ठीक है, मेरा क्या जाएगा? तुमने तो मुझे पूरी तरह लूट लिया। एक बार खेले तो मैं सब वापस जीत सकती हो। लेकिन मेरे पास खेलने के लिए चॉकलेट ही नहीं है। तुम्हारी घड़ी चलेगी। जंग बहादुर, मेरा बैग मेरे कमरे तक पहुंचा सकते हो प्लीज? जी जरूर। थैंक यू। तुबिनी, स्वीटी ने तुम्हें भी लूट लिया। हाँ हाँ, और इतनी सारी चॉकलेट्स वापस करने में पूरे 2 महीने की सैलरी लग जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ स्वीटी ने तुम्हारे साथ क्या किया। पहले स्वीटी खेल में अनाड़ी थी। हाँ, और फिर अचानक अनाड़ी से खिलाड़ी बन गई। हाँ, फिर? ओ बिनी, तुम कितनी स्वीट हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ओ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अब तो तू मेरी बात मानेगा? लेकिन वो तो एक छोटी सी बच्ची है, उसने ये सब सीखा कहाँ से? मुझे लगता है उसके घर पे उसको प्राइवेट ट्यूशन्स दिए गए हैं और उसके टीचर है उसके पापा। अब मैं जा रहा हूँ, पर मैं अभी भी कह रहा हूँ मैंने अपना स्केटबोर्ड उधर नहीं छोड़ा था।
मेरा बैट यहाँ कहाँ से आ गया? हाय पापा, मैं आ गई। ये रहा आपका सारा सामान। प्रवीण जी, आपको और कुछ चाहिए? जंग बहादुर, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि करेले के चिप्स में से खरीदोगे। ओह वाह, करेले मेरे फेवरेट। वैसे चिप्स कब तक पहुंच जाएंगे? तीन हफ्तों में। तीन? ओके। कभी नहीं आएंगे घुचू। पापा देखो करारे नोट। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल पापा पे गई है। प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। आराम से खाएंगे, आराम से रहेंगे। मैंने उस स्वीटी से ड्राई फ्रूट केक के 10 डब्बे खरीद लिए थे। मानसिंह जी, मानसिंह जी, एक बहुत जरूरी खबर है। अच्छा, क्या तुम दोनों स्कूल की ट्रिप से चांद पर जा रहे हो? नहीं, लेकिन इससे भी अच्छी खबर है, वो जो प्रवीण जी है ना, उनको चोट नहीं लगी। हमने उसे एसी वेंट से डांस करते हुए देखा था। प्रवीण जी एसी वेंट में डांस कर रहे थे? नहीं, एसी वेंट में तो हम थे। तुम दोनों एसी वेंट में डांस कर रहे थे? अरे नहीं, हम दोनों एसी वेंट में जासूसी कर रहे थे। तो फिर डांस कौन कर रहा था? प्रवीण जी। अच्छा, प्रवीण जी डांस कर रहे थे। प्रवीण जी डांस कैसे कर सकते हैं, उनकी पीठ में तो चोट लगी हुई है। अरे वही तो हम कह रहे हैं, उन्हें कोई चोट वोट नहीं लगी है, वो बस नाटक कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम ये भी कहोगे कि तुमने लॉबी में स्केटबोर्ड छोड़ी नहीं है ना? तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रवीण जी हमारे इस होटल के गेस्ट हैं, और इससे पहले कि उनके लॉयर भी इस होटल के गेस्ट बन जाएं, तुम दोनों उन्हें अकेला छोड़ दो। लेकिन यार, लोग मेरी बात पर विश्वास करना कब शुरू करेंगे? जब तू नटखट लफंगे चूहों की कहानियां सुनाना बंद कर देगा। हाय बॉय। वाह, स्वीट ने तुम्हें फिर से लूट लिया क्या? नहीं, हमने उसके पापा को उसे उठाकर डांस करते हुए देखा। उन्हें कोई चोट वोट नहीं लगी है, वो बस हम सबको उल्लू बना रहे, लेकिन मानसिंह जी ये यकीन करने को तैयार ही नहीं है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो दोस्तों, वक्त आ गया है, ऑपरेशन चालू चूहों को मार भगाओ का। तुम सब तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मैं भी, लेकिन चालू चूहों को मार भगाओ में करना क्या होगा? मुझे क्या पता, मेरा काम तो सिर्फ ऑपरेशन का नाम ढूंढना है। 1 2 3 गो। चूहों को मार भगाओ। प्रवीण जी, जिनके पीठ पर चोट लगी है, उनका फोन आया था। क्या कह रहे थे वो? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? किसी लॉयर वॉयर की बात तो नहीं कर रहे थे? नहीं, लेकिन वो आपको अपने कमरे में जल्दी बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा। और अपनी मास्टर की लेकर जाना। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा खोलने के लिए उठ नहीं सकते। चाहिए ऑपरेशन चूहे को बिल से भगाओ चालू हो गया, कांग्रेस मंत्री ऊपर आ रहा है। ओवर एंड आउट। मास्टर ने नेशन स्पीकिंग। वेरी गुड मिस चॉकलेटी। ओवर एंड आउट। कबीर, नेक्स्ट टाइम हमारे सीक्रेट कोड्स के नाम मैं डिसाइड करूंगा। नो प्रॉब्लम मास्टर छोटे खरगोश। ओके, अब हमारा टाइमिंग एकदम परफेक्ट होना चाहिए। खड़ूस मंत्री के अंदर आने से पहले प्रवीण जी इधर उधर कूदते हुए दिखने चाहिए। मधुमक्खी रेडी है और गुस्से में भी। मुझसे पंगा ले रही है तेरी तो। पकड़ लिया।
प्रवीण जी आप ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन अभी अभी तुम्हारे शहर वेंट से एक मधुमक्खी का पूरा झुंड आया और मुझे अटैक किया। अब आप ही सोचिए मानसिंह जी, अगर आपके कस्टमर्स को उसके बारे में पता चला तो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हमारी तरफ से एक फ्री डिनर कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल। आउच। ओके, रास्ता साफ है, अब सावधानी से आगे बढ़। मैं तेरे बाजू में ही खड़ा हूँ। ओके, खड़ूस मंत्री कहाँ है? मिस चॉकलेटी कह रही है कि खड़ूस मंत्री लिफ्ट से बस ऊपर ही आ रहा है। तो तू तैयार है रेड लाइट? हाँ मैं रेडी हूँ। ठीक है, अब देख प्रवीण जी अपने कमरे के बाहर कैसे भाग के आते हैं। हाँ, जैसे ही वो भाग के आएंगे मैं इस फोन के कैमरा से उनकी फोटो खींच के मानसिंह जी को दिखा दूंगा। वो तो कटरीना है ना? मैं अपने रूम के बाहर लॉक हो गई हूँ, अब मैं अंदर कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ? कटरीना, रुको रुको, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मैं आ रहा हूँ। कैटरीना, 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 चल, कैटरीना, कैटरीना, कैटरीना। इतनी बड़ी प्लानिंग के बाद भी तुम एक फोटो नहीं ले पाए? क्या करूं, मेरा फोटोग्राफर रिटायर्ड हो गया। लेकिन हमें तब तक कोशिश करते रहना होगा जब तक प्रवीण जी पकड़े नहीं जाते। शायद हमें तुम्हारी मॉम को बता देना चाहिए। मॉम? वो कभी यकीन नहीं करेगी। कर भी सकती हूँ, अगर बात लफंगे चूहों की ना हुई तो। कबीर? क्या हुआ? मॉम, ये तो बस मेरी मदद कर रहा था। असल में प्रवीण जी को कोई चोट नहीं लगी है, वो तो बस नाटक कर रहे। करण, तुम्हारे दिमाग में ये अतरंगी आइडियाज आते कहाँ से हैं? देखो बेचारे कबीर की क्या हालत कर दी। मॉम, मैं जानता हूँ कि करण ने अब तक बहुत सारे झूठ बोले हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आगे भी वो बहुत सारे झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन इस बार करण सच बोल रहा है। थैंक्स भाई। मुझे भी लगता है कि करण सच कह रहा है, उस स्वीटी ने बड़ी चालाकी से मेरा पूरा काउंटर साफ कर डाला। स्वीटी? वो छोटी सी स्वीट सी स्वीटी जिसने मुझे उड़न छू कुकीज बेचे, जो आपका फैट गायब कर दे। टिंग टिंग। नहीं, वो चालाक उड़न छू स्वीटी जो आपके पैसे गायब कर देती है। टिंग टिंग। मॉम प्लीज, इस बार आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। प्रवीण जी, हाँ लगता है उनकी पीठ की अच्छी तरह से जांच करनी पड़ेगी। चलो। कौन है? प्रीति, मैं आपके लिए हलवा लाई हूँ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। दरवाजा खुला है, आइए आइए। प्रवीण जी। जी प्रीति जी। ये देखिए, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। हलवा? हलवा नहीं, जलवा। इनसे मिलिए। राका फ्रॉम ढाका। बताए, इनके पास ना हर मर्ज की दवा है। प्रीति जी, इन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत थी प्रीति जी? अरे प्रवीण जी, कोई तकलीफ की बात तो है ही नहीं ना, बताए इनके ना हाथों में जादू है। अच्छा, तो ये मॉरिस है? मॉरिस नहीं, प्रवीण। देखिए आप प्लीज मुझे चोट नहीं पहुंचाना, प्लीज। तुम्हारा ये बूबू अभी ठीक करेगा। बूबू ठीक हो गया हमारा? बूबू ठीक है, पहले इसको पॉल्टी करेंगे। पॉल्टी? एक, दो, दो, दो किधर गया? दो को धोखा दे दिया। तो आपके किशमिश बर्फी के 5 बॉक्सेस हुए
और बनाना चिप्स के बाद बॉक्सेस। मैंने तो दोनों के एक एक बॉक्स कहा था। अगर आप 10 लोगे तो मुझे एक साइकिल फ्री मिलेगी। वैसे भी मुझे लाइफ में कुछ फ्री नहीं मिला है। ऐसी बात है तो 10 की जगह 20 बॉक्सेस कर लो। अपनी साइकिल पर एक एसी लगवाना और एक शानदार सा म्यूजिक सिस्टम और साथ में एक चमकीला सा सीट कवर। सीट कवर मजा आएगा। सीट चमकीला सीट कवर। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम और ये हॉस्पिटल का मरीज यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन मेरे पास सरदर्द के लिए टाइम नहीं। दरवाजे के सामने से हटो। मानसिंह जी, हम दरवाजे के सामने से क्यों नहीं हट रहे, इसका जवाब है हमारे पास। बता दे रहे हॉस्पिटल के मरीज। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये? और भी अच्छा। Very good. अब हम तुमको दिखाएगा ट्रका का धमाका। मतलब? बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से सुई निकाल लेनी चाहिए ना? ठीक है जी, लेकिन अब हम तुमको दिखाएगा आग का गोला। आग का गोला? इसकी क्या जरूरत है सिस्टर? मैं ठीक हूँ सिस्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ सिस्टर। और इस तरह हमारे जूते जमीन से चिपक गए। इससे अच्छी तो मेरे नटखट लफंगे चूहे की कहानी थी। पापा! हटो! पापा! सुधी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ओहो, लगी तो नहीं? नहीं। चलो। प्रवीण जी, ऐसा लगता है कि आपकी पीठ बिल्कुल ठीक हो गई है अब। चमत्कार हो गया, सब राका जी का हाथ का कमाल है। बिनी? आमियाशी, अब मैं हूँ। ये हमारी लॉबी में काम करने वाली बिनी है। मैंने कहा था ना मानसिंह जी, ये सब नाटक कर रहे हैं। हाँ करण, I'm sorry, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी होती हैं। लेकिन इस बार मानसिंह जी, आपकी माफी कबूल है। रवीन जी, आपको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ओह, मैं इतनी जोर से गिरी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वीति बेटा, हमारी चोरी पकड़ी गई। कोई बात नहीं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप अपनी छोटी सी बेटी का इस्तेमाल करते हैं लोगों को ठगने के लिए। अरे, प्रोजेक्ट लॉबी में फिसला फिसली का आइडिया तो इसी का था। मैं तो सिर्फ नाम देता हूँ प्रोजेक्ट को। स्वीटी है ना, शैतान है, शैतान। प्रवीण जी, मुझे 2 बस 3 ऑटो और 4 घोड़े बदलने पड़े, मगर मैं आपका फेवरेट तकिया ले आया। रहने दो जंग बहादुर, प्रवीण जी चोर है और अब वो पकड़े गए हैं। और अब तुम्हें उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं एक दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू मानसिंह जी। मानसिंह जी, हम फिर से आपसे माफी मांगते हैं और ये वादा करते हैं आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ, मैंने सबक सीख लिया है। और मैंने शहर के सारे होटल्स को आप दोनों की फोटोग्राफ्स फैक्स कर दिए। अरे मानसिंह जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे से हम सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। अच्छा जी, देखते हैं। थैंक यू जी, आपके काजू के वेफर्स 3 हफ्ते में आ जाएंगे। और वैसे बता दूं कि काजू ना हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। चलो चलो, निकलो निकलो। Thank you.